वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल राजा सोनी 123 RS एंटरटेनमेंट से। तो गाइज आज मैं आपको सैमसंग के J5 फ़ोन के रिलेटेड कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि अगर उसके माइक प्रॉब्लम हो तो आप कैसे उसको ठीक कर सकते हो। तो जैसे कि मेरे पास सैमसंग का एक फ़ोन है, उसकी प्लेट पड़ी हुई है, तो आज मैं पूरी इस वीडियो में आपको वही ट्रिक बताऊँगा। तो प्लीज़ उससे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मैं किसी भी फ़ोन के रिलेटेड कोई भी ट्रिक्स लेके आऊँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन आएगा, उसको देख पाओगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो में बताऊंगा, मेरे पास सैमसंग का J5 का एक फ़ोन है, इसमें माइक की प्रॉब्लम है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि कीपैड फ़ोन का माइक डाल के कैसे इस पर चला सकते हो। तो जैसे कि सैमसंग का कोई भी फ़ोन हो, जैसे कि J2, J5 कोई भी फ़ोन हो, उसमें 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट वाला एक माइक पड़ता है, तो इसमें 4 पॉइंट वाला पड़ता है, तो आप 2 पॉइंट वाला माइक डाल के कैसे चला सकते हो, तो आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा। जैसे कि ये मेरे पास चाइनीज़ फ़ोन का एक माइक है, 2 पॉइंट्स है, तो ये आपको मैं डाल के बताऊंगा कैसे इस पर वर्क करता है। तो जैसे कि आपको मैं सिंपली बता दूं गाइस कि आप किसी भी चाइनीज़ कोई भी प्लेट हो तो उसमें से आपने सिंपली करना क्या है, जैसे कि ये छोटा ब्लैक टाइप का आपको क्लस्टर मिल रहा है, ये निकाल देना है। जब इसको निकाल दोगे तो उसके बाद आपने सिंपली करना क्या है, जैसे कि ये मैंने निकाल दिया है ये वाला, तो आपने सिंपली करना क्या है, जैसे कि ये मैंने निकाल दिया है, उसके बाद आपने इस वाले ब्लैक को यहाँ पे लगा देना है, यहाँ पे लगा दोगे तो उसके बाद जो ये माइक है इसका प्लस पॉइंट आपने यहाँ पे लगा देना है, तो जो माइनस वाला पॉइंट है वो यहाँ पे लगा देना है, प्लस पॉइंट यहाँ पे माइक लगा देना है और माइनस वाला यहाँ पे लगा दोगे तो आपका जो माइक की प्रॉब्लम होगी वो हल हो जाएगी और 100% वर्क करेगी। तो ये थी ट्रिक्स इस वीडियो में। नेक्स्ट कोई भी किसी फ़ोन की कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बताऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।